जाने के बाद ना मन नहीं करता कि वापस घर आओ। मुझे दिल्ली इतनी ज़्यादा पसंद है कि पूछो मत, मन करता है ना फिर से वहीं भाग जाऊँ। बट अब अपना घर हो गया है ना तो जाने का मन भी नहीं करता। दिल्ली पहुँच गए थे ना तो बोल रहे थे यार मैं घर नहीं जाऊँगी, मतलब जी बोल रहे हैं यहीं पर रुक जाओ। और दिल्ली में ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, मतलब दो दिन हम लोग थे, बारिश तो रुकी नहीं है। मतलब हम लोग ज़्यादा कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, बस थोड़ा बहुत मार्केट गए हैं और कहीं भी नहीं गए हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि सच में यार यहाँ का जो व्यू है ना इतना प्यारा है, इतना प्यारा है ना कि पूछो मत। ऐसा लगता है ना कि ऑटो से उतर करके मैं वीडियो बना लूँ, बट नहीं उतर सकती थी, बारिश भी हो रही थी और हम लोग के पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन के लिए दिल्ली नहीं गए थे, सिर्फ दो दिन के लिए। और अगर दीदी आई ना होती ना घर तो वो भी न जा पाते, क्योंकि सिवा का स्कूल ट्यूशन इस वजह से हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता कहीं बाहर जाने के लिए, तभी तो हम सिवा को नहीं ले आए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं प्रगति मैदान, और पता है यहाँ का जो व्यू है ना सच में, एक बार मैं जब मैं पहली बार आई थी ना दिल्ली तो यहाँ का मैं बहुत वीडियो बनाई थी, बट वो अब मोबाइल में वीडियो है नहीं, सब डिलीट हो गया है। और अगर अपनी बाइक से होना तो घूमने का मज़ा और कुछ होता है, ऑटो से कहाँ कहाँ जाए मन नहीं करता है घूमने का। पहले हम बाइक से ना हर जगह दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जो घूमे नहीं होंगे, हमेशा घूमने जाते थे। और क्योंकि शुक्ला जी ना यहाँ जो शुक्ला जी का प्रोजेक्ट था काम करते थे ना यहीं पे करते थे, जितने भी मेट्रो बनी है यहाँ के ना सब शुक्ला जी लोग बनवाए हुए हैं। और बारिश तो आप लोग देख सकते हैं कि बारिश भी हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रही थी, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। और शुक्ला जी भी वीडियो हमारे आ गए हैं,
और वीडियो में तो ज़्यादा आते नहीं हैं, और इनकी स्माइल, छोटी सी स्माइल, उसके बाद बस बाय बाय। और मेरा जो था ना वो रास्ते पर सोते हुए आया था, कहीं जाना नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि हम कहाँ आ चुके हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, गोलचक्कर। ये जो रोड है ना, सबसे बहुत प्यारा है। पता है यहाँ हम लगभग 5-6 बार आए होंगे, और जो पार्क है ना वहाँ जाके बहुत सारी वीडियो बनाए थे। मैं तो सोच रही थी अगर कार आधे घंटे के लिए सुबह मुझे यहाँ छोड़ देते ना, तो मैं यहाँ पे जो व्यू है ना और वीडियो बना लेती, क्योंकि बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और जो पीक होती है ना, उसमें बहुत प्यारी आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, चलिए हम आप लोगों को घुमाने ले चलते हैं। और हम पहुँच गए हैं प्रयागराज स्टेशन। देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, और यहाँ की छोटी सी किट मैंने लिया है। और शुक्ला जी को पसंद नहीं है कि मतलब पब्लिक के सामने ज़्यादा वीडियो बनाने का, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वजह से हम छोटी सी क्लिप ही यहाँ का लिए हैं। और देख सकते हैं ना कितना सुंदर लग रहा है प्रयागराज का स्टेशन। और कौन कौन जा रहा है दिखाया आप लोग को, हम देव और शुक्ला जी जा रहे हैं, वहाँ घर पे हैं क्योंकि बुआ आई थी उनकी, तो शिवा को हम छोड़ के जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेन में आ चुके थे, और देव को देख सकते हैं कि अकेले सीट में लेटा हुआ है, बोल रहा है मुझे किसी को नहीं लेटाना है, बट मुझे अकेले ही लेटना है। फिर उसके बाद हम लोग दीदी के यहाँ पहुँच गए थे। हम जा रहे हैं दिल्ली, कुछ काम है, क्योंकि 7 साल हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग का बहुत सा ऐसा काम है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो दीदी के यहाँ से नहाने के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल चुके हैं, और देव मेरा फिर से सो गया है, क्योंकि ट्रेन में ना वो अच्छे से सो नहीं पाया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम जो दिल्ली का पेंडिंग में काम है ना, उसको ना बंद करवा देते हैं, क्योंकि अकाउंट भी थे, बैंक का काम था, और मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल में दिखाना भी था, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, और कुछ और भी काम था जो मुझे करना है, क्योंकि शुक्ला जी जहाँ काम करते थे ना वहाँ भी थोड़ा जाएंगे। और हम जहाँ रहते थे, एक दो लोगों से मैंने बीमा करवाया था, उसको भी बंद करवाना था, क्योंकि पता नहीं कब दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, इसे अच्छा बंद ही करवा दें। ज़्यादा का नहीं, जब फ्रेंड मतलब अगल बगल लोग रहते हैं ना, तो एक दो करवा दिए थे, इसी वजह से हम दिल्ली गए थे। और देखते हैं वहाँ जाकर कि मेरा काम होता है कि नहीं, इतनी दूर आए हैं काम करने के लिए, बट मेरा काम ना पता नहीं होगा कि नहीं। तो फ्रेंड, पहुँच गए हैं हम गांधीनगर, क्योंकि दीदी भी हमारी गांधीनगर में रहती हैं, वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं गांधीनगर से, और अब हम जाएंगे इंडिया गेट। बट इंडिया गेट घूमने नहीं जा रहे हैं, उधर से हम जाएंगे प्रगति मैदान, और फिर शुक्ला जी जाएंगे अपने बैंक, और हम जाएंगे अपने बैंक। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। सच में यार, दिल्ली जाने के बाद ना मन नहीं करता कि वापस घर आओ। मुझे दिल्ली इतनी ज़्यादा पसंद है कि पूछो मत, मन करता है ना फिर से वहीं भाग जाऊँ।